ऊना में आए हमीरपुर लोकसभा सीट से सांसद अनुराग ठाकुर ने एक दिवसीय दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लिया। आपको बता दें, इस दौरान वे सबसे पहले दौलतपुर गगरेट और उसके बाद सलो के बीबीएनबी स्कूल में राज्य स्तरीय अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता, साथ ही बडेडा में हिम कैप्स लो एंड नर्सिंग कॉलेज में सौर्य दिवस को लेकर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल एक्सप्रेस से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। अगर उन वीर जवानों को याद करना जिन्होंने भारत पर आतंकवादी हमलों से बचाया, आतंकवादी ठिकानों को गिराया, भारत का मान सम्मान बढ़ाया, 130 करोड़ भारतीयों की सुख चैन की नींद सोने का अपना वायदा निभाया, तो मुझे लगता है राजनीति कांग्रेस कर रही है। हम तो उन वीर जवानों को अपनी ओर से प्रणाम करते हैं जिनके कारण हम रोज चैन की नींद सोते हैं। कांग्रेस 10 वर्षों में भारतीय जवानों और भारतीय सेना के लिए कोई खरीद नहीं कर पाए, ना हथियार ना हवाई जहाज, और कांग्रेस को ये लगता है कि जैसे उनका अपना हर डिफेंस डील में करप्शन होती थी, बाकियों की भी होगी। हम ये देश को बताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद पारदर्शिता और जवाबदेही देश की बढ़ी है, और पिछले 4.5 वर्ष ये उदाहरण है जहां 31 करोड़ लोगों के नए बैंक खाते खुलवाए, 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुद्रा योजना में ऋण उपलब्ध करवाया, 7.5 करोड़ शौचालय नए बनाकर दिए, 5 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस के सिलेंडर दिए, 18,000 से गाँव को बिजली से जोड़ा, जहां पर सड़कें पहले से दुगनी बननी शुरू हो गई और सीधा बैंक के खाते में पैसा उपभोक्ता के जाता है, उससे देश का 85,000 करोड़ रुपए की सेविंग हुई। जो व्यक्ति गरीब माँ के कोख से जन्मा, जिसने गरीबी देखी, ऐसे नरेंद्र मोदी जी ने देश में किया। एक सच्चे देशभक्त के नाते, एक नेता के नाते उन्होंने देश की सेवा की है। और कांग्रेस को चुनावी वर्ष में अगर 4 महीने पहले ऐसी ओछी बात करने का अवसर मिला है, जबकि समझौता दो देशों के बीच में है, ये कई बार स्पष्ट फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन भी कर चुके हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी, लेकिन उनको लगता है एक चीज को 10 बार झूठ बोलेंगे तो सच दिखना शुरू होगा, तो इनकी गलतफहमी है। अगर इस मुद्दे के माध्यम से राहुल गांधी जी को नेता बनाना चाहते हैं तो स्वयं बता चुके हैं संसद में भी वो क्या है। राहुल गांधी का एक बयान जो है सोशल मीडिया में भी और मीडिया में भी चल रहा है कि भी आने वाले समय में वो मजा दिखाएंगे या मजा सिखाएंगे, उस पर क्या कहना चाहते हैं? कई वर्षों से देश की जनता को एंटरटेन कर रहे हैं। उनका एक ही सपना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, और हमारा एक ही सपना है भारत की डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। तो अब चैनलाइजेशन को लेकर भी ऊना में कई मुद्दे उठ रहे हैं, कई बातें सामने आ रही है कि टेंडर को द्वारा करवाया जा रहा है, बाहर की कंपनियां टेंडर ले रही हैं, तो इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, टेंडर विभाग ने करना है, विभाग करे, पारदर्शिता के साथ करे। हमने स्वा चैनलाइजेशन, प्रेम कुमार धूमल जी का सपना था जिन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की, और हर फेज के लिए पैसा वो लेकर आए। इससे हजारों एकड़ जमीन बची, किसान आज कई गुना ज़्यादा पैसा कमाता है जिस जमीन पर कभी कुछ पैदा भी नहीं होता था। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है और हम सदा किसानों के हित में ऐसे निर्णय करते रहेंगे।